हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और एसी के मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने एसी घर पे ही सर्विस कर सकते हो। मैं भी, ये देखो मेरे घर पे एसी लगा हुआ है, इसको सर्विस करूँगा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ एक्सपीरियंस। आप भी सीख जाओगे कि किस तरह से एसी की सर्विस होती है। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों 400-500 रुपये ख़राब करने की, सिर्फ 2 रुपये में आप अपना एसी सर्विस कर सकते हो और अपने आप ही कर सकते हो। किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक स्टूल चाहिए या कोई सीढ़ी चाहिए जिसकी मदद से आप एसी के लेवल तक आ जाओ और बस सारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसी की सर्विसिंग। दोस्तों, सबसे पहले हमें एसी का ये फ्रंट पैनल खोलना होता है। तो किसी भी एसी में साइड में ग्रूव्स बने होते हैं, आप फिंगर डालोगे तो उसको आगे की तरफ खींचोगे तो इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे हम फिल्टर निकालते हैं एसी के। और 90% तो फिल्टर साफ़ करके ही सारा काम हो जाता है। ये देखिए फिल्टर की हालत देखिए आप, कितनी गंदी है इनकी। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल चौक हो रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है एसी में, अगर आप इसको भी साफ़ कर दोगे तो आपको बाकी सफाई की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अब हम ये जो वाइट वाला पार्ट है, बेसिकली इसका कवर है, इसको भी उतार सकते हैं। और ताकि हम ये वाली जो जाली है अंदर, जो बेसिकली कूलिंग कॉयल होती है, जो ठंडी होती है, जहाँ से हमें ठंडी हवा आती है, इसको अगर हमें साफ़ करना है तो इसको उतारना पड़ेगा। तो इसको उतारना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको ये सामने पेच नज़र आते हैं, ये पेच आपने खोल लेने हैं। और उसके बाद ये जो फ्लैप होता है जो स्विंग करता है, इसको भी आपने खोल लेना है। तो इसको ज़रा सा आप नीचे करोगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये फंसा हुआ होता है, इसके नक्के होते हैं यहाँ पे फंसा होता है। तो ये नक्के थोड़ा सा कैमरा पास कर दीजिए। तो दोस्तों, ये नक्के होते हैं, इसको आप हल्का सा इधर दबाएंगे तो ये इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से ये वाला है तो ये ऐसे निकल जाएगा, और फिर ये फ्लैप को आप नीचे को हल्का सा दबाएंगे तो ये निकल जाता है। दोस्तों, इसको ध्यान से निकालना है, बहुत डेलिकेट होता है, कहीं टूट ना जाए। तो जैसे ही दोस्तों ये फ्लैप आप उतारोगे तो आपको यहाँ पर भी बॉडी में लगे हुए पेच यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। कुछ मॉडल्स में 2 होते हैं, किसमें 3 होते हैं, तो आपको ये वाले पेच भी खोलने हैं। तो चलिए हम इन सबको खोल लेते हैं फटाफट। तो ये सारे पेज खोल लेने के बाद ये इसको आप बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, अब जो काम है वो ऊपर से करना है, क्योंकि नीचे के पेज हमने खोल लिए हैं, अब ऊपर से भी बॉडी फंसी होती है। तो ऊपर से नक्के होते हैं बेसिकली प्लास्टिक के, तो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि ये प्लास्टिक का नक्का है, जैसे ही इसको ऊपर करेंगे हम तो ये निकल जाएगा इसमें से। तो नक्के खुलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो बॉडी ये ढीली हो गई है, तो अब आप इसको इजीली बाहर की तरफ निकाल सकते हो। तो ये आपके हाथ में आ गई बॉडी, और ये सारी बॉडी जो है दोस्तों, ये देखो कितना गंदा हो रहा है यहाँ से, ये सारा हमें साफ़ करना होता है। तो अब आपके सामने ये जो कूलिंग कॉयल है ये बिल्कुल आ गई है, अब इसको आप प्रॉपरली साफ़ कर सकते हो। इसको साफ़ करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आप किसी सूखे कपड़े से जो जाले वगैरह लगे हैं वो साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए एक मग में थोड़ा सा पानी लेना है आपने, और एक टूथब्रश लेना है, कोई भी आप घर पे ले सकते हो ख़राब टूथब्रश। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पानी है ये, इसमें कुछ नहीं डाला गया है, नॉर्मल पानी है दोस्तों। तो आपको दोस्तों टूथब्रश की मदद से इन फिंग्स को इस तरह से साफ़ करते जाना है, और ध्यान रखना है कि ये फिंग्स टेढ़ी ना हो, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं आप, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती हैं। अगर ये टेढ़ी हो जाएंगी तो हवा का फ्लो इसमें से रुक जाएगा,
और आपके हाथ पे भी लग सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी भी होती हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। तो इसको आप बहुत ही तरीके से साफ़ कर लीजिए और तसल्ली से। और ये दोस्तों अपना कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं दाली बिल्कुल साफ़ हो गई है। इस तरफ बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि पीसीबी वगैरह है, तारे वगैरह होती हैं, सर्किट होता है, तो कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है दोस्तों, और पानी का रंग देखो आप, बिल्कुल काला हो चुका है दोस्तों, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो इतना गंद इसमें से निकला है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे भी कपड़े से साफ़ कर लेना है। आप चाहें तो गीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉलिन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा आपको ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे दोस्तों नहीं करनी है। तो इसको बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। जितनी दोस्तों आप सफाई करेंगे उतनी अच्छी हवा आपको और ठंडी हवा आपको आने लगेगी। ये देखिए कितनी गंदगी है इसमें दोस्तों, तो इसको प्रॉपरली साफ कर लीजिए। तो ये दोस्तों हमारा इंडोर जो है वो सर्विस हो चुकी है इसकी। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कॉयल है देखो कितनी साफ़ हो गई है। अब इसमें से जब हवा आएगी ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते चलते हैं, इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब जो मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों कि 2 रुपये का जो खेल है वो यहाँ से शुरू होता है कि 2 रुपये आपको कहाँ पर लगाने हैं। तो 2 रुपये का आपको शैम्पू लेना है दोस्तों, वो आपके घर पे भी हो सकता है। तो शैम्पू हमें इसलिए चाहिए क्योंकि शैम्पू के घोल से, या हम साबुन भी यूज़ कर सकते हैं कोई बढ़िया, या सर्फ वगैरह भी। तो बेसिकली ये जो बॉडी हमारी है जो गंदी हो रखी है, ये देखो कितना इसमें गंद है, तो ये साफ़ करने के लिए हमें शैम्पू चाहिए। और ये जो फिल्टर्स हैं इनको भी हम साफ़ करेंगे, आप देखो कितने गंदे हैं ये। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों हमें वॉशरूम में जाना पड़ेगा, या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी का प्रबंध हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले फ़िल्टरों को साफ़ कर लेते हैं। फ़िल्टर को साफ़ करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास पाइप लगाएं टूटी में और इसको साफ़ कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप तेज़ पानी डालते हैं तो किस तरह से सारा गंद जो है वो निकलता जा रहा है। दोस्तों एसी की सर्विस में आधे से ज़्यादा काम तो फ़िल्टर साफ़ करने से ही हो जाता है, बाकी तो बस पैसे बनाने के तरीके होते हैं। अगर आप इतना कर लें महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी एसी में, और हमेशा वो ठंडी हवा देता रहेगा। तो ये दोस्तों आपके सामने देखो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो अब आते हैं दोस्तों इस पर, तो इसको भी आप गीला करके बढ़िया से इस पर जो भी मिट्टी विट्टी लगी है उसको उतारना है, और अंदर बाहर से प्रॉपरली इसको एक बार साफ़ कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो आपने शैम्पू से ये घोल तैयार किया है, आप सर्फ से भी कर सकते हैं, तो किसी भी कपड़े की मदद से इसे बढ़िया से धो दो और फीलिंग लो कि आप भी ऐसी सर्विस करने वाले हो।
इसकी बढ़िया से सफाई कर दो। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है, टूट भी सकता है ये। और बड़े प्यार से इसको साफ करते रहो। तो दोस्तों, सफाई करने के बाद आप इसको खड़ा कर लें और किसी दीवार के सहारे लगा दें और कुछ देर तक इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निचुड़ जाए और जो भी इसकी चीज़ें हैं बढ़िया से साफ हो जाए। और फिल्टर्स को साफ़ करने के बाद इनको एक बार झाड़ लें ताकि जो इनमें पानी है वो भी निकल जाए, और उनको भी यहीं पर रख देते हैं। तो दोस्तों, इतना काम करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए ताकि ये सूख जाए, या फिर आप किसी सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर लीजिए, तभी आपको इसको वापस लगाना है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसको वापस कैसे फ़िट करना है, और इसको फ़िट करने के बाद मैं आपको एक और लास्ट पार्ट दिखाऊंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी सर्विस का हिस्सा होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको फ़िट कर लेते हैं। अब बारी है इसको लगाने की। तो ये कवर इसका जो है सूख चुका है, तो जैसे कि हमने इसको पहले उतारा था, लगाएंगे भी दोस्तों वैसे ही इसको। तो पहले ये ऊपर से लगता है, यानी कि जो ऊपर इसके नक्के हैं उसमें फंसेगा पहले ये, और नीचे बाद में अपने आप आ जाएगा। तो पहले इसका ऐसे फ्लैप खोल लें और इसको इस तरह से ऊपर चढ़ा दें दोस्तों। ऊपर आओ जी, बस। तो इस तरह से दोस्तों इसको उन्हीं ग्रूव्स में सेट करना है जैसे हमने इसको पहले निकाला था। और ये हो चुका है दोस्तों, प्रॉपरली फिट हो गया ये, और आप देख सकते हो नीचे से भी ये प्रॉपरली फिट हो चुका है। अब बस आपको जहाँ से आपने पेच खोले थे वहाँ पे पेच लगा देने हैं। पेच को ज़्यादा टाइट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक में ही ये टाइट होते हैं अंदर, तो चूड़ी ख़राब होने का डर है। बस हल्का सा जहाँ पे टाइट होने लगे वहीं पे इसको छोड़ देना चाहिए। बस, और बाकी के पेच भी इसी तरह से लगा लो। तो पेच लगाने के बाद दोस्तों अब आपको ये फ्लैप लगाना है। तो इस फ्लैप को बहुत ही केयरफुली लगाना है। तो ये एक तरफ से इसमें निब होती है और एक तरफ से ये खाली होता है दोस्तों। तो एसी में जिस तरफ आपके नोज़ल होगी उस तरफ खाली वाला पोर्शन जाएगा, वहाँ पे मोटर लगी होती है। तो पहले आप वहाँ से इसको इंसर्ट करोगे और बाद में यहाँ से ये अपने आप ऐसे आ जाएगा, और जैसे हमने इसको निकाला था वैसे ही इसको लगा देंगे। तो ये दोस्तों चालू है, ये जब हम एसी ऑन करेंगे तब अपने आप शेप में आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो है इसके जो फिल्टर्स हैं वो हम लगाएंगे अब यहाँ पर। तो फिल्टर साफ़ हो चुके हैं, अब मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा इसमें, तो इनको लगाते हैं जी। और
और फिल्टर्स के लगाते ही दोस्तों हमारा जो काम है सर्विस का वो डन हो चुका है। तो आपको इस फ्लैप को नीचे कर देना है, अगर ज़रूरत हो तो हल्का बहुत कपड़ा मार सकते हैं, बाकी जो है वो काम डन हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे आउटडोर की, और यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इवन सर्विस वाले जो आप बुलाते हो ना वो भी कई बार इसको साफ़ नहीं करते हैं, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको साफ़ करने बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ आपने पानी से साफ़ करना होता है, इसमें ना आपको कोई सर्फ चाहिए, ना कोई साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, सिर्फ पानी का प्रेशर चाहिए और ये साफ़ हो जाता है। दोस्तों इसको बाहर से साफ़ करने के बाद मेन जो पार्ट है वो आपने करना है, इसके जो पीछे की साइड कंडेंसर लगा होता है उसको आपने पानी से साफ़ करना है, प्रेशर होना चाहिए पाइप में, तो प्रेशर से पानी जब जाता है तो कंडेंसर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होती है जाली, जैसे हमने अभी इंडोर में ब्रश से साफ़ करी थी, लेकिन यहाँ पर हम ब्रश नहीं चला सकते तो पानी से ही इसको साफ़ कर देते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप साफ़ करें, ये जितना साफ़ रहेगा उतने ही ज़्यादा ठंडक आपका एसी करेगा। तो जितना पोर्शन इसका विजिबल होता है उसको प्रॉपरली आप साफ़ कर लें, और यही मेन सर्विस का पार्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों अब एसी को हम कर लेते हैं ऑन, और ये देखो एसी हमारा टनाटन ऑन हो गया है, और दोस्तों ठंडी हवा आने लग गई है क्योंकि पसीने आए हुए काम करके, तो यही हवा ठंडी लग रही है। वैसे जो ठंडी हवा है वो ऑन करने के 3 मिनट बाद आती है जब कंप्रेशर ऑन होता है, तो वो तो चलो आ ही जाएगी। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, जब आप इसको बंद करेंगे तो ये फ्लैप जो है अपने आप उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे ये होता है, तो ये इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, तो ये अपने आप सेट हो जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा था कि आप घर पर ही अपना एसी सर्विस कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, ना हम किसी को घर में घुसा सकते हैं, इवन मेरे को तो लग रहा है कि बाद में भी अगर किसी को हमें घर पे बुलाना होगा काम करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे काम खुद ही सीख लें तो कितना अच्छा है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता लगे और वो ये सारे जो छोटे छोटे काम है अपने घर में ही निपटा लिया करें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कूल।